दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, 1 मई का जो दिवस है वो अनेक नामों से जाना जाता है। अनेक नाम उसके हैं, मजदूर दिवस, मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अनेक इसके नाम हैं। आज 1 मई के दिन विश्व के तमाम किसान मजदूर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अतिथि अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, आशा वर्कर्स, आप सभी को हैप्पी वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और भारत में इसका महत्व क्या है, और किसान मजदूर जितने भी श्रमिक हैं, अतिथि अध्यापक, गेस्ट टीचर्स, शिक्षा मित्र या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जितने भी हैं, उन सब के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, कब से इसको मनाया जाने लगा, इसको मनाने का रीजन क्या है, क्यों इसको मनाने की शुरुआत हुई। चलिए इसी बात पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई 1886 से पहले, शोषण तो मैं ये कहूँगा कि शोषण तो अब भी मजदूरों का होता है, लेकिन 1 मई 1886 से पहले मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। कोई एक निर्धारित समय नहीं था कि कितने घंटे मजदूरों को काम करना है, कितने घंटे नहीं करना है, और उसी के हिसाब से उनको जो सैलरी, जो वेतन जो मिलता था वो भी निश्चित समय पर नहीं मिलता था। तो अमेरिका के एक मजदूर संघ ने, मजदूर यूनियन ने 1 मई 1886 में सबसे पहले क्या किया, ये जो शोषणकारी नीति सरकार किया, जो जितने भी मालिक थे उनके खिलाफ, शोषणकारी नीति के खिलाफ एक हड़ताल की। और हड़ताल भी क्या की, इन्होंने पहली मांग की कि हमें 8 घंटे काम करने की ही अनुमति दी जाए, 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। इस शोषणकारी नीति के खिलाफ, जो 8 घंटे से ज़्यादा वे काम कर रहे थे, इसके खिलाफ उन्होंने क्या बगावत कर दी और हड़ताल कर दी, मिल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये हड़ताल चलती रही, लेकिन वह क्या, अमेरिका की इस मजदूर यूनियन ने जब हड़ताल की तो हड़ताल के समय शिकागो की मार्केट में क्या हुआ, एक बम धमाका कर दिया गया। माना जाने लगा कि ये बम धमाका मजदूर यूनियन ने अपनी बात को जबरदस्ती स्वीकार करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए, बाध्य करने के लिए धमाका किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मजदूर यूनियन की तरफ से न तो कोई धमाका हुआ, न कोई इस तरह की प्रतिक्रिया हुई, और इस धमाके के बारे में यह भी नहीं पता चल पाया कि यह धमाका किया किसने था, किसके द्वारा यह धमाका हुआ, किसके द्वारा बम विस्फोट किया गया, इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन पुलिस प्रशासन, जो मजदूर यूनियन और जो ओनर्स थे, वे इस हड़ताल के खिलाफ थे, तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पुलिस प्रशासन ने शक के आधार पर, कोई प्रूफ नहीं था, शक के आधार पर जो हड़ताल कर रहे थे श्रमिक, जो हड़ताल पर थे उन पर क्या गया, गोलियां बरसा दी। इतनी गोलियां बरसाई कि आज भी उस हड़ताल वाले स्थल पर एक खंभा है, वो आज भी इस बात का प्रूफ है, उसके अंदर बहुत सारी गोलियां आज भी निशान उसके खंभे के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में जब पुलिस प्रशासन ने श्रमिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, तो इसमें 7 श्रमिकों की मौत हो गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी श्रमिक, जो यूनियन थी, उन्होंने शांतिपूर्वक अपना जो हड़ताल का उनका जो प्रोसेस चल रहा था वो चलता रहा। श्रमिकों की तरफ से इतना कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना उनकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हुई। शांतिपूर्वक वो धरना चल रहा था, उसके बाद 7 श्रमिकों की मौत हो जाने के बाद सभी श्रमिक अपने अपने काम पर लौट जाते हैं।
इस जो दर्दनाक जो घटना थी, इस घटना के बारे में अमेरिका के किसी भी न्यूज़पेपर ने किसी भी कॉलम में कोई स्थान नहीं दिया, न किसी अखबार में कोई तवज्जो दी गई प्रशासन। लेकिन हाँ, इस हड़ताल का एक असर जरूर पड़ा। मिल ओनर्स थे, उन्होंने क्या क्या इस घटनाक्रम के पश्चात जो श्रमिकों की मांग थी 8 घंटे काम करने की, उसको स्वीकार कर देगा और उसको एक क्या का कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई। तो यहाँ पर श्रमिकों के फेवर में 7 श्रमिकों का बलिदान हो जाने के पश्चात एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और जोगी 8 घंटे काम करने की जो मांग थी उसको स्वीकार करने के पश्चात श्रमिकों को एक राहत की सांस मिली। और यहीं से ही इन 7 श्रमिकों का बलिदान जो आज 1 मई के दिन हर वर्ष याद किया जाता है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी जाती है, ये मजदूर दिवस उन्हीं को समर्पित जाता है। तो 1 मई के दिन जो 7 श्रमिकों का बलिदान हुआ था, जो 7 श्रमिकों ने अपनी इस मांग को सरकार द्वारा मनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन श्रमिकों को हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे और उन्हीं की याद में आज के दिन 1 मई के दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यहीं से ही मजदूर दिवस मनाने की जो परंपरा थी वह शुरुआत हुई। यहीं से मजदूर दिवस, लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेबर डे है, यहीं से मनाना आरंभ हुआ और उन्हीं की याद में, 7 मजदूरों की याद में ही मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये था इंटरनेशनल लेबर डे क्यों मनाया जाता है, उसका कारण। बात करते हैं भारत में मजदूर दिवस की। भारत में मजदूर दिवस सबसे पहले लेबर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंह रावलर, ये लेबर किसान पार्टी के नेता थे, इनके द्वारा सबसे पहले भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और ये मजदूर दिवस एक भारत के अंदर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इसको रखा गया है और इसकी सबसे पहले शुरुआत 1 मई 1923 को चेन्नई, जो पहले मद्रास हुआ करता था, पहले इसका नाम मद्रास था लेकिन अब इसका नाम क्या है, चेन्नई, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई। भारत में इसको अनेक भाषाओं में अलग अलग नामों से और भाषा के आधार पर इसका नाम दिया गया है। इस दिन को भारत में कामगार दिवस के रूप में जाना जाता है। भाषा की अगर हम बात करें, हिंदी और मराठी में इसको कामगार दिवस के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ भाषा में इसको कार्मिका दिन चारने के नाम से जाना जाता है, तेलुगु में कार्मिका दिनोत्सवम नाम से इसको जाना जाता है, तमिल में उझाई पलार दिनम के नाम से इसको जाना जाता है और मलयालम में इसको थोजी लाली दिनम के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर अलग अलग नामों से भारत के अंदर इसको जाना जाता है, लेकिन भारत के अंदर इसको, इस मजदूर दिवस का एक अलग ही महत्व है। इसके उपलक्ष्य में मजदूर दिवस के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को रखकर बहुत कुछ कहा भी है। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हम जो संविधान निर्माता है, जिसने पूरी टीम या कोई एक व्यक्ति जिन्होंने भी संविधान को बनाया और इसको कानूनी रूप दिया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन उससे पहले भी, संविधान बनने से पहले भी कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने मजदूर, किसान और कामगारों के हक की बात की और आवाज़ उठाई, तथा जो शोषणकारी नीति अपना रहे थे, जो चला रहे थे, उनका अहंकार को तोड़ा भी। और इनमें सबसे पहले नाम आता है गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी ने सबसे पहले किसानों, मजदूरों, कामगारों के हक की आवाज़ उठाई और उस समय के, अपने समय के अनुसार, उस समय के अहंकारी ऊंट पालने वालों की रोटी न खाकर उनका अहंकार भी तोड़ा था। नानक जी का एक संदेश था, काम करना, नाम जपना, बाट छकना,
ये उनका एक संदेश था जो किसानों, मजदूरों और कामगारों के लिए उन्होंने दिया भी था। तो इस तरह से आज 1 मई का जो दिवस है, जिसे इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मई दिवस, मजदूर दिवस आदि नामों से जाना जा रहा है, और पूरे विश्व के अंदर आज मजदूर दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर उन 7 शहीदों को नमन करते हुए आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।